जाड़ो लगे मत यहाँ तो तिमार को मत जाड़ो लगे तो यहाँ के ए चलो मेरे साथ बने को क्यों हाँ और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दाउकी। टाइम राइट नाउ इट्स 8 o'clock और अभी दाउकी से निकल रहा हूँ शिलोंग की तरफ और लैमिन गेस्ट हाउस यहीं पर रुका था मैं कल रात को। अपना बैग भी फुली पैक्ड हो गया तो निकलते हैं शिलोंग की तरफ। और शिलोंग जाने वाले रास्ते में 2 वाटरफॉल्स है, उसके लिए थोड़ा ट्रैकिंग भी करना है तो अभी देखते हैं क्या करना है। उधर जाने का प्लान किया हूँ और उससे पहले उधर बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर का एक टूर भी कर लेते तो मिलते हैं आपको मोटर ब्लॉगिंग की साइड। तो अभी निकलते हैं इस होटल से और होटल में टोटल खर्चा मुझको 1810 लगा, 1400 रूम का और 410 खाने का और पानी का करके। तो अभी निकलते हैं बॉर्डर की तरफ जाएंगे पहले। अभी बाजार पूरा खाली है, बहुत ही बाजार यही है। यहाँ पर मार्केट पूरा खाली है, यूज तो है अभी मेरे पास। अंकल बांग्लादेश बॉर्डर किस साइड? बॉर्डर ऐसे घूमने के लिए आया। यहाँ से उधर कहाँ तक जा सकते हैं? आगे बॉर्डर है, आगे बॉर्डर है, जा सकते उधर तक? हाँ जाइए, जा सकते हैं। रोड है ना। इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर यहाँ पे लिखा है बांग्लादेश, मैं हूँ इंडिया में और दीवार का उस तरफ है बांग्लादेश। तो अभी बांग्लादेश बॉर्डर से आया मैं तो इस सीधा जाएंगे दताओ की ऊपर की तरफ जाना है मुझे शिलोंग से। शिलोंग के लिए और अभी मैं ऊपर से ही आया, इस साइड से आया था दाउची से, उसके बाद बॉर्डर गया, उसके बाद फिर ये रहा दूसरे के शिलोंग जाएंगे। होप कि रोड का कंडीशन अच्छा होगा, थोड़ा दस्ती दस्ती है। रोड तो थोड़ा कंडीशन खराब है इधर का, कुछ दिखाने का चीज मिला तो दिखाएंगे भाई, वरना ऐसे रिकॉर्डिंग करके सिर्फ बैटरी डाउन हो जाएगा। अभी मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर जाना है ट्रक्स ड्यूरी वाटरफॉल के लिए,
ऑफरोडिंग है इधर से, तो देख लेते हैं वाटरफॉल। लेकिन विंटर सीजन है अभी, तो वाटरफॉल में वाटर एक ही नहीं, वही प्रॉब्लम है। फिर भी एक बार घूम लेते हैं, क्या है भाई, एक बार आया है तो देख लेते हैं। पार्टो तो फिर दैमी तो दैमी। नीचे जाने का रास्ता कुछ ऐसा है, अभी टूरिस्ट थोड़ा कम है इधर, देखते हैं अभी नीचे का हालत क्या है। बोल रहा है अच्छा है बोल के। अभी रास्ते में दो टूरिस्ट मिला था मुझे, वो लोगों से पूछा मैंने, तो बोल रहा था अच्छा वाटरफॉल है, जाके देखते हैं, मूड हुआ तो स्विमिंग भी करेंगे। तो 5 मिनट के वॉक के बाद पहुंच गया क्रक्सुरी वाटरफॉल्स का एंट्रेंस। टिकट का देना पड़ा 50 रुपये और पहुंच गए हम क्रक्सुरी वाटरफॉल। ये रहा क्रक्सुरी वाटरफॉल, पूरा ब्लू है ब्लू। तो ये वाटरफॉल का एकदम आगे आगे में यहाँ पर बड़ा सा पुल भी है, ऊपर से वाटरफॉल हो रहा है, और यहाँ पे स्विमिंग भी अलाउड है, लेकिन लाइफ जैकेट पहनना पड़ेगा। लेकिन भैया बोल रहा है बहुत पानी बहुत ठंडा है इधर, और ऊपर स्विमिंग कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर बाद ऊपर जाके स्विमिंग करेंगे। यहाँ का कुछ ऐसा है पुल। अभी जा रहे ऊपर वाला पुल, लाइफ जैकेट भी लेंगे, लाइफ जैकेट का 100 रुपये भैया ही देगा मुझे, 100 रुपया लगेगा, 100 रुपये लगेगा बोल रहा है लाइफ जैकेट का, लेकिन सिक्किम को फ्री है। सिक्किम वाले को एक आदमी का 100 रुपये लगेगा, तो फिर स्विमिंग करते हैं लाइफ जैकेट लगा के। ये रहा वो वाला वाटरफॉल जो अभी गया था, और ऊपर जाना है स्विमिंग करने के लिए, उधर मिलेगा जैकेट, तो जैकेट लेने के लिए जाते पहले, इसके बाद उधर जाएंगे। लाइफ जैकेट ले लिया 100 रुपये का, और इसी पानी में स्विमिंग करना है। बहुत क्रिस्टल क्लियर पानी है ये, एकदम क्लियर। और टूरिस्ट बहुत कम है अभी इस पानी में, अंदर दिखा देता हूँ भाई। लेकिन यहाँ पर भी ठंडा है पानी, लाइफ जैकेट पहनना ही है, तो एक बार डुबकी लगा लेते हैं उस साइड से, उधर वाले साइड से डुबकी लगाएंगे। जैकेट पहनने से थोड़ा गर्मी लग रहा है, एक डुबकी लगा के आया, पानी बहुत ठंडा है लेकिन मजा आ गया। अभी स्विमिंग ज़्यादा नहीं किया, पानी बहुत ठंडा है, इसलिए अब लौट रहा हूँ ऊपर। ए मेघालय कुकुर। अभी टाइम हो गया है
11:29 11:29 होने वाला है। अब यहाँ से सीधा फिफी फॉल्स जाएंगे और उधर से शिलोंग, तभी निकलते हैं इधर से। अभी जस्ट मैंने सिकेतलोंग, ये एक विलेज है यहाँ पे आगे, वो क्रॉस करके आया हूँ। तो आने के टाइम पे ये पॉइंट देखा, बहुत अच्छा लगा, इसलिए यहाँ रुका हूँ और अपने बाइक में इधर लगा दिया हूँ झाड़ियों पे। और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, दूर दूर तक पहाड़ी दिख रहा है। और मेन हाईवे उस साइड है, वो वाला रोड है, मेन रोड। और अभी मैं जा रहा हूँ फिफी वाटरफॉल्स, जो यहाँ से लगभग 10 मिनट ही लगेगा। जो अभी वाटरफॉल्स में जो हो के आया, क्या बोलता था वो क्रैक, क्या बोल, वो वाटरफॉल से फिफी वाटरफॉल सिर्फ 20 मिनट का दूरी है बाइक में। तो ऑन द वे मुझे ये वाला सीन देखा तो बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए इधर आया। और इधर सच में बहुत अच्छा है व्यू। बहुत ही बढ़िया है। फोटो वोटो लेना था, फोटो ले लिया, रील्स भी बना लिया एक। अब निकलते हैं फिफी वाटरफॉल। 20 मिनट का रास्ता ही दिखा रहा है अभी भी, 6 किलोमीटर यहाँ से। वाटरफॉल कितना दूर है इधर से? बाइक जाएगा? हाँ जाएगा। यहीं से? रास्ता यही रास्ता है ना? वो इसके डाउन में देखते हैं। हाँ। इसके डाउन में देखते हैं। अच्छा। वाटरफॉल्स का व्यू पॉइंट पहुंच गया मैं इधर, बाइक इधर पार्किंग कर दिया और आगे दिख रहा है वाटरफॉल बड़ा वाला। ये सानो भाई रहेछ कि एकजना, त्यसको फोटो खिच्छ नेपालीबाट, बोलौँ न के हो भाइ, नाम के हो? नेपाली बुझ्छ? चलो मर्सा, उसलाई कन्फ्युज पारिदिउँ, मलाई कन्फ्युज पारिदियो यो भाइले। भाइको नाम के हो? नाम के हो? स्योलेम हो। मजा आउँदैछ यता? जाडो हुन्छ यता है? जाडो लाग्यो म त यहाँ त तिमीहरूको, म त जाडो लाग्यो त के भनेको? ए चलो मेरो साथ भनेको क्यो? निचे चलो, तुम मेरा गाइड है। कितना लेगा? 40 रुपीस। चलो 50। चलो फिर मुझे रास्ता सही से दिखाना। हाँ गाइड मिल गया, बड़ा गाइड। ए गाइड 50 रुपीज मांग रहा है मुझे। नाम क्या है? न्यूलम। कैमरा में देख के बोलो वेलकम टू मेघालय, बोलो ना मुझे। न्यूलम।
गाइड कुछ बोलो, कहाँ से जाना है, क्या क्या करना है बोल के बोलो। हाँ कहाँ से जाना है बोलो। हाँ नीचे तक जाएगा। अभी इस गाइड को यहीं पर छोड़ देते क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है। गाइड छोटा गाइड है मेरा, स्लो चल रहा है। इसको मैं अपना इसका चार्ज में दे देता हूँ, 50 रुपीज़ है कि नहीं देखते। हाँ छोटू मेरा टूर गाइड ये लो, तुम घर जाओ ऊपर। हाँ यहाँ से मैं खुद चला जाऊँगा, ठीक है। फिर थैंक यू बोलो, थैंक यू। हाँ गाइड को छोड़ दिया, बहुत स्लो चलता है। अभी मैं सीधा जाता हूँ वाटरफॉल्स पे। अभी फाइनली पहुँच गया वाटरफॉल, मेरे पीछे है फीफी वाटरफॉल। जस्ट अभी मैं पहुंचा इधर जहाँ पे मैंने बाइक पार्किंग किया था, और फीफी फॉल्स उधर है, उधर से चल के आया। यही था आज का लास्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का टूर करने का चीज़। अभी सीधा रूम जाएंगे शिलोंग पे, और बाज़ार घूमेंगे शिलोंग बाज़ार पे, क्या क्या थोड़ा घूमेंगे। तो मिलते हैं रोड पे। अभी बज गया है 3:35 और मैं पहुंच गया अपने रूम पे। वाईफाई भी है। और यहाँ से दिख रहा है शिलोंग, दिख रहा है पूरा शिलोंग है। बड़ा है शिलोंग, बड़ा। और मेन मार्केट अभी भी यहाँ से 4 किलोमीटर जैसा है। मेन मार्केट जो पुलिस बाज़ार ये सब है 4 किलोमीटर इधर से। अभी आज का रात इधर ही हॉल्ट होगा और कल सुबह निकलेंगे सिलीगुड़ी की तरफ। ये रहा अपना वॉशरूम, गर्म पानी भी है भाई। अरे ये तो मैं हूँ। तो आज का ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। लास्ट तक देखने के लिए आपको वेरी वेरी थैंक यू। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट कर देना। और वहाँ पे सीमेंट्री है।